अनिल अंबानी को टेलीकॉम डिपार्टमेंट से करारा झटका लगा है। बता दें कि दिवालिया कानून के तहत एक्शन से बचने के लिए और अपने कर्ज को चुकाने के लिए झटका लगा है। दूरसंचार विभाग ने मंगलवार को अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशंस और मुकेश अंबानी की कंपनी जियो इन्फोकॉम के बीच एयरवेव्स को लेकर हुए करार को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। विभाग का कहना है कि उनके बीच हुआ करार नियमों के मुताबिक नहीं है, इससे रिलायंस कम्युनिकेशंस की उन कोशिशों को झटका लगा है जिसके तहत वह दिवालिया कानून से बचने की कोशिशों में जुटी थी। असल में यह नाटकीय घटनाक्रम तब सामने आया जब जियो की ओर से टेलीकॉम डिपार्टमेंट को एक पत्र लिखा गया था जिसमें कहा गया था कि सरकार को यह भरोसा दिलाना चाहिए कि रिलायंस कम्युनिकेशंस के एयरवेव्स के बकाए के लिए जियो को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। जियो की ये मांग सरकार के स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग के नियमों के मुताबिक नहीं है। सरकार की नियमों के मुताबिक विक्रेता पर बकाए की राशि की देनदारी उस पर बनती है जिसने कंपनी की खरीद की हो। दूरसंचार विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि ट्रेडिंग रूल्स स्पष्ट कहता है कि दूरसंचार विभाग किसी एक का या फिर दोनों ऑपरेटर्स के बकाया राशि की मांग कर सकता है। अब जियो ने अपनी शर्तें रख दी हैं, ऐसे में इस डील को स्वीकार नहीं किया जा सकता। टेक न्यूज रूम की रिपोर्ट।